हेलो दोस्तों, आप हाँ सबको जी, क्या स्वागत कर है रही मेरे हो? चैनल रियलिटी ऑफ माय लाइफ में। आज मैं आप सबके साथ एक नया रेसिपी शेयर करूंगी। ये है अरवी की पत्ता। तो अरवी की पत्ते की एक नया रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो बंगाली बंगाली स्टाइल में बनाऊंगी। ये जो फिश देख रहे हो साथ, ये अरवी की पत्ती को मिक्स करके एक रेसिपी दिखाऊंगी। शुरू करने से पहले आप जो फ़िश देख रहे हो, उस फिश की बेनिफिट के बारे में आपको बता देती हूँ। यह है फर्मेंटेड फ़िश, और फर्मेंटेड फ़िश बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और इसका बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होती है। और अभी जो मानसून के सीज़न चल रहा है, मानसून के सीज़न के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस टाइम डेंगू मलेरिया और या फिर कीड़े मकोड़े बहुत ही बढ़ जाता है। तो उस टाइम अगर ये फर्मेंटेड फ़िश खाने से आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस बेलू भी होती है। यह ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में जो बंगाल या ट्राइबल पीपल है, वो लोग ही इसे ज़्यादा खाते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए यह फर्मेंटेड फिश बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अभी वीडियो शुरू करते हैं। यह फिश की चटनी बनाने के लिए देखिए, मैंने इस फिश को अच्छे से धो के मैंने ले लिया है, अच्छे से धो लिया है इसे। और इसमें देखिए, फिश को बनाने के लिए जो जो मैंने लिया है, इसको चटनी बनाऊंगी इस फिश की। तो इसे देखिए, हरी मिर्च लिया है, सूखे पाउडर लिया है, पाउडर वाली मिर्च लिया है, और धनिया का पत्ता या लहसुन लिया है। आप अगर प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हो, मैंने नहीं लिया है अभी। इसमें अभी मैं गर्म पानी डाल दूंगी। गर्म पानी डालने से इसका जो मछली का जो काटा होता है वो नीचे चला जाएगा, और उसका जो ऊपर का जो पानी है वो मैं चटनी में डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले मैं लहसुन को डाल देती हूँ। अभी मैंने हरी मिर्च, ये जो सूखी लाल मिर्च, वो भी डाल देती हूँ। अभी ये काफी तीखा होता है, ये खाने में काफी तीखा है ये चटनी। अभी आग बिल्कुल धीमी आ रही है। देखिए, मैंने जो फिश लिया था उसमें मैंने पानी, गर्म पानी डाल दिया है। अभी इसे अच्छे से ऐसे करके ऊपर का जो पानी है बस उसका डालना है। देखिए, मछली का काटा नीचे रह गया है, देखिए मछली का काटा। अभी इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। देखिए, काफी ठीक हो गया है। अभी मैं उसमें धनिया का पत्ता डाल देती हूँ। बस ये हो गया है, चटनी रेडी है फिश चटनी। तैयार हो गया है ये रेसिपी, अरबी के पत्ते और फिश मिक्स करके रेसिपी बनाया है। ये गर्मा गर्म राइस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो ये रेसिपी।